क्या प्रिश का टीम छोड़ना एक खराब डिसीजन है? क्या स्टैक ट्रोयास में ही रहना चाहिए हमें? क्या न्यू कोच से हमारा बॉन्डिंग अच्छा हो पाएगा, या फिर टीम छोड़ना एक अच्छा डिसीजन है? ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है सबके? आज हम आ गए फीफा माई प्लेयर करियर मोड के एक और नए एपिसोड को लेके, तो चलो एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक सुपर हैट्रिक किया था। आपको नहीं पता सुपर हैट्रिक क्या होता है तो जल्दी जाओ जाके देखो। एंड हमें एक ऑफर मिला था आर्सेलिन से। आर्सेलिन हमें अच्छा खासा पैसा भी दे रहा था एंड एज ए स्ट्राइकर भी खेलने का मौका दे रहा था। एंड कोच ने बोल दिया था डिसीजन मेरा है, तो मैं ले सकता हूँ पूरा डिसीजन। अभी हमारे पास कोई मैनेजर नहीं है जो हमें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, क्योंकि हम इतना कमाते ही नहीं है, तो मैनेजर को क्या देंगे। हम आने वाले एपिसोड में मैनेजर भी ढूंढेंगे। पिछले एपिसोड में बोल दिया था कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आर्सेलिन एक बहुत अच्छा टीम है एज़ कम्पेयर टू स्टैक ट्रोयास। तो इस बारे में मैंने कोच से बात करी। मैंने कोच से बोला, कोच मुझे एक आर्सेलिन से ऑफर मिला है एंड मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मेरा स्किल्स डेवलप करने के लिए एंड मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। कोच ने बोला, प्रिश एज योर कोच मैं चाहता हूँ तुम हमेशा अपने करियर में बेस्ट करो, एंड अगर तुम्हें लगता है आर्सेलिन में जाके तुम्हें बेनिफिट मिलेगा तो आई फुल्ली सपोर्ट योर डिसीजन। मैंने बोला, थैंक यू कोच, मैं कभी भी अपना पहला टीम को नहीं बोलूँगा। कोच ने बोला, दैट्स व्हाट आई लाइक टू हेयर, गो आउट देयर एंड अपना 100% दो। मैंने बोला, आई वोंट लेट यू डाउन कोच, थैंक यू। कोच से हाँ मिलने के बाद अभी तो कुछ बचा ही नहीं रहता, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते। आर यू एक्साइटेड गाइज? पहला कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, पहली बार टीम ट्रांसफर, और लोन ट्रांसफर है पर पहली बार है। चलो कॉन्फर्म कर देते ब्रो, सिग्नेचर कर देते, डन। नाउ आई एम ऑफिशियली ए आर्सेलिन प्लेयर, आई एम एक्साइटेड गाइज। दो दिन बाद मेरा पहला मैच है, वो भी एएस मोनाको के खिलाफ। एएस मोनाको एक बहुत अच्छा टीम है, उसमें बेनियर डर भी खेलता है, आप सबको पता होगा शायद। अच्छा टीम से खेलने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब मैं प्रैक्टिस करने फर्स्ट टाइम फील्ड में गया, तब मुझसे फोफाना मिला। फोफाना जो कि इसी टीम से खेलता है, वो मुझे देख के बोला, प्रिश द न्यू गाय राइट? मैंने बोला, हाय नाइस टू मीट यू, या आई एम प्रिश। देन फोफाना ने बोला, माई सेल्फ सीको फोफाना, वी आर हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, यू विल सेटल इन क्विकली। मैंने बोला, या थैंक्स। फिर वो अपना प्रैक्टिस करने चला गया, मैं चला गया अपना प्रैक्टिस करने। ये प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बेसिस पे कोच मुझे फर्स्ट लाइनअप पे रखना है या नहीं इसका डिसीजन लेगा। अगर अच्छा खेलता हूँ मैं, अच्छा प्रैक्टिस करता हूँ, तो शायद मुझे फर्स्ट लाइनअप पे रखा जाए तो मैं शुरू से मैच खेलूँगा, या फिर भगवान जाने मुझे खेलने का मौका मिलेगा ही या नहीं। प्रैक्टिस के परफॉर्मेंस को देख के कोच ने बोला, मुझे मैच के स्टार्ट से खेलने का मौका नहीं मिलेगा, हाफ टाइम के बाद सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा मुझे खेलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। मतलब ये कोई बात होता यार, उस टीम से कम खेलने का तो मौका मिल रहा था, इस टीम से वो भी नहीं मिल रहा यार, क्या करे, डिसीजन गलत नहीं हो गया क्या? अब कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि नया टीम है, कुछ बोलेंगे तो खिलाएंगे नहीं यार, करियर गया मेरा, तो चुपचाप सहना पड़ेगा। अब देखते हैं मौका मिलता है कि नहीं। तो मौका तो हमें मिला गाइस, 57 मिनट्स के बाद हमें उतारा जा रहा है, लेकिन एज ए कैम। कैम होता है जो स्ट्राइकर एंड मिडफील्डर के बीच में रहता है, मतलब ये भी गोल कर सकता है लेकिन मिडफील्डर ज़्यादा काम आता है इसका। अब कोच हमको बोलेगा गोल करो, मैच जिताओ, जो कि बहुत टफ है। एज एएस मोनाको एक बहुत अच्छा टीम है, उसके सामने बहुत टफ है। कोच ने बोला 7.0 के रेटिंग चाहिए, ट्रिपल सक्सेस रेट चाहिए 35%, एक गोल करना चाहिए। मैंने बोला था कोच बोलेगा गोल करो, इस टीम के सामने बहुत टफ है क्योंकि इस टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। डीओप के पास बॉल है, एक और बहुत क्लोज है लो, फोफाना का शॉट लेकिन ऊपर से चला गया, नाइस, आते ही अटैकिंग ब्रो, अच्छा है। मैं चाहता हूँ इस गेम में मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँ एंड मैं कोच को बोलूँ कि मैं डिजर्व करता हूँ मैच का स्टार्टिंग से रहना, कि 57 मिनट्स के बाद आके मतलब ये बहुत टफ हो जाता है इंसान के लिए इतना सारा कंप्लीट करने के लिए। कोई ना, देखते अभी भी हो सकता है। मुचाडो ने कनागा को बस बॉल दे दिया, इसका अभी नहीं होगा, बहुत अंदर घुस गया है।
लेकिन एक और चांस हो सकता है। फोफाना टोरेस के पास बॉल है, ये लोग कभी घुमाएंगे क्या? लेकिन अटैकिंग पुश आने वाले लगते हैं। क्रिश बॉल ले लिया, नाइस। क्रिश के पास बॉल है, अभी पास कर दे इसको। सोटो का किसको पास दे दिया? चलो फोफाना के पास बॉल है, अभी भी एक हो सकता है ब्रो। बाहर चला गया, लाइन के बाहर। मैच जितना इंपॉर्टेंट है ब्रो, 0-0 चल रहा है अभी। हमारा डिफेंस क्या करता है? गलोफिन के पास बॉल है अभी। चलो डिफेंस अच्छा खेल रहा है, इसीलिए 0-0 है। मैं सोच रहा है इतना अच्छा टीम है, अभी 0-0 कैसे है? हमारा डिफेंस बहुत सही खेल रहा है, लेकिन उनका डिफेंस इतना सही नहीं खेल रहा है, क्योंकि ओपन हो रहा है। हम नोटिस करना गए, क्रिश के पास बॉल तो आया, क्रिश के पास पास दे दो। चलो अगेन आया, रेडी फॉर गोल, शॉट हो सकता है। सेव हो गया, सेव हो गया, नाइस ट्राई। लोग नोटिस किया गाइस, इनका बहुत ओपन हो रहा है डिफेंस, तो गोल करना इजी हो जाएगा। मैं सोच रहा था बहुत टफ होगा, लेकिन इतना टफ होगा नहीं, तो एक गोल हम कर सकते हैं। बॉल तो मांग लिया, हेड होगा क्या? नहीं, बहुत आगे दे दिया, वैसे हेड इम्पॉसिबल है, क्या शॉट था। चलो आया, पास तो आया यहाँ पे, हो सकता है क्या? एक ड्रिबल करने की कोशिश, लेकिन नहीं हुआ। अभी बॉल लूज हो जाएगा यार, नहीं हुआ अभी तक बॉल लूज। सोटो का फोफाना, मैंने किसको पास कर दिया? गलत कर दिया, मैंने शॉट करना था, फिर हो जाता इजीली। अब इनका पुश कौन रोकेगा? डिफेंस रोक लिया ब्रो, बेनियाडर, ये बंदा बहुत टफ है। फोफाना, चलो हो ले, बचा लिया। 72 मिनट्स हो गए, अभी गोल नहीं हुआ, मुश्किल होने वाला है। बॉल ड्रिबल तो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ड्रिबल इतना अच्छा है नहीं। फोफाना देन सईद का गोल, क्या कार शॉट था ब्रो, तो एसिस्ट नहीं मिलेगा हमको, लेकिन गोल, नाइस। 1-0, पहला मैच जितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पहला मैच जितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनका डिफेंस इतना अच्छा है नहीं, बहुत ओपन हो रहा है। अब एक बंदा तो ओपन ही हो गया पूरा, जब मेरे पास बॉल था पास कर रहे थे। देखो बीच में जो आ रहा है ना, डिफेंस बहुत लूज है, लेकिन शॉट बहुत अच्छा था, बहुत कार्ड शॉट था, यहाँ से लिया, बहुत सही शॉट था। गोल की गलती नहीं है, लेकिन डिफेंस वीक है। ये हमारा न्यू कोच है गाइस, देख लो, आर्सेलेंस का सईद, 2 मैच में 1 गोल, 74 मिनट्स पे, नाइस। 1-0, जीतेंगे, हे कॉन्फिडेंस है, जीतेंगे। लेकिन हमने गोल भी नहीं किया, ना एक असिस्ट किया, अच्छा नहीं होगा। वेनियाडर का पास डियॉप लेकर फोफाना, हमारे पास भी फोफाना है, दोनों फोफाना है। क्रिश ड्रिबल करने की कोशिश है, लेकिन नहीं हुआ। चलो सोटो का सईद, फोफाना क्रिश को दे, अच्छा सा एक पास दे, हो जाएगा। रेडी फॉर गोल, शॉट, गोल। आई एम हेयर गाइस, आर्सेनल फैंस cheer for me, I am here. Debut match, पहला गोल, let's go. Ace Monaco के खिलाफ, come on guys. 5 बहुत सही था, लेकिन बहुत ओपन हो गया था, बहुत सही शॉट भी, बहुत सही था पावर शॉट, यहाँ से सीधा इम्पॉसिबल ब्रो। गोल की के हाथों से लग के गया, ऑलमोस्ट लकी भी था फिर मैं, नाइस। डेब्यू मैच, पहला गोल, डन, काम कंप्लीट है ब्रो। फोफाना, अब इन लोगों का पुश ना आ जाए, बेनियाडर से डर लगता है मेरे को, ये बंदा कर सकता है कुछ भी, इसको लेके। लेकिन डिफेंस बहुत सही खेल रहा है इस टीम का, बहुत सही खेल रहा है। क्रिश के पास सेकेंड बॉल है, सईद, क्रिश बॉल लेके जा, ऑफ साइड था, हाउ इज इट पॉसिबल, इसको ऑफसाइड कैसे दे सकते हो आप? इतुसा शू के लिए, ओ माय गॉड। चलो कोई ना, एक और पुश आ सकता है हमारे लिए। बेनियाडर बंदा कुछ कर ना दे, फोफाना अभी लूज हो जाएगा, इतना क्या पास देके खेले यार। चलो सईद, पीस मांग रहा है लेकिन उसको बॉल नहीं दे रहा, ये लोग भी क्या कर रहे हैं अभी। सोटो का, अगर फोफाना आएगा
क्रॉस नहीं कर पाएगा, नहीं होगा, रिसीव करने वाला ही नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। डॉन्स अभी हो सकता है क्या, प्लीज को दे दे। नहीं, शायद शायद के पास छोटो का ईवी ऑफ साइड। चलो ईवी ऑफ साइड, गोलकीपर शॉट है, शॉट है, शॉट है, जीत रहे हम 2-0। चिल मारो, डेब्यू मैच जीतेंगे, वो भी एस मोनाको, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन लीग वन। कम ऑन ब्रो, लेकिन ये लोग अच्छा नहीं खेल रहे, मोनाको इज नॉट इन हिज फुल फॉर्म। They really look after the ball when they have it. Pitch ke paas ball hai Said. Soto ka shot. Said pitch ke paas ball hai again ready for goal. Shot boom. And a goal. Two goal in debut match. Bro, are you kidding me, bro? Are you kidding me? Aa gaya na full form. दो गोल दे दिया ब्रो, 57 मिनट्स के बाद आके दो गोल देना, वो भी आर्सेन लेंस, मतलब आर्सेन लेंस की नहीं बोला, एस मोनाको को खुला, मतलब बहुत बड़ा बात है। अच्छा शॉट था, इस बार भी गोल की हाथों से लगे क्या। 3-0 जीतेंगे जीतेंगे भाई, फुल टाइम हो जाना चाहिए अभी। डन, डेब्यू मैच जीत गया, दो गोल दे दिया, मैंने तो मैच शायद से नहीं बन जाऊं, हो सकता है क्या, मैंने तो मैच में गुड। एक और चीज आपने नोटिस किया गाइस, मैं कैप्टन था गेम में, ओह माय गॉड, मुझे कैप्टन किया गया था, तो इतना फेथ मेरे पे, गुड, मैंने जीता भी दिया, दो गोल कर दिया, 10 की रेटिंग भी आ गया, 36 मिनट्स में दो गोल कर दिया। चलो मैन ऑफ द मैच हमें मिल गया, तो मैच जीत गए 3-0, दो गोल मैंने दिया, मैं खुश हूँ बहुत इस बात से कि कोच ने मुझे कैप्टन बनाया, वो भी इस इम्पॉर्टेंट मैच में, फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑब्वियसली, लेकिन मैं डिजर्व करता हूँ मैच पहले से स्टार्टिंग से खेलने का, तो मैं कोच को बोलूँगा, अभी दो गोल दे दिया, अभी शायद से कोच मुझे पहले से रखेंगे, तो अभी तो डिसीजन बुरा नहीं लग रहा है मेरे को, आगे आगे देखते क्या होता है। अब प्रैक्टिस तो बहुत होता रहेगा, लेकिन मैं फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, सोच रहा हूँ आज थोड़ा फैमिली को टाइम दे देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मैच एक वीक बाद है, तो बहुत टाइम है हमारे पास, एंड जिम भी करना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से जिम में नहीं गया। पॉइंट्स टेबल पे अभी हम नंबर 11 पे हैं, एंड हमारा नेक्स्ट मैच है एफसी लॉरेंट से, वो लोग अभी नंबर 9 पे हैं, तो अगर ये मैच हम जीत जाते हैं तो हम टॉप 10 में आ जाएंगे, तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इम्पॉर्टेंट एक और बात के लिए होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि ये होम मैच है, आर्सी लेंस का होम ग्राउंड पे खेला जाएगा, तो 100% देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो मैच है एफसी लॉरेंट के खिलाफ, एंड हमें स्ट्राइकर के पोजीशन पे खिलाया जा रहा है, होम ग्राउंड पे है, तो मज़ा आने वाला है, रेन भी हो रहा है लेकिन फैंस बहुत है, देखो रेन हो रहा है लेकिन फैंस बहुत है। एफसी लॉरेंट 9th पे है अभी, मैच जितना इंपॉर्टेंट है, होम ग्राउंड में पहला मैच जीतना ही चाहता हूँ मैं, मतलब एक छाप छोड़ना चाहता हूँ फैंस को, पे देखते कोच ने क्या क्या बोला है। 7.5 की रेटिंग, एक गोल और असिस्ट, एंड एक गोल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ये बहुत टफ होने वाला है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स में बहुत कम गोल दिया है। Which ones are going to stand out? So, who will affect the game? देखते हैं लिली, इसका नाम क्या मुझे पता नहीं, लेकिन बॉल लेके जा रहा है। इनका जर्सी बहुत पीएसजी से मिलता है। अभी तो मॉफी के पास बॉल है, बॉल लेके जा रहा है ब्रो, ये शॉट कर देगा ऐसे, शॉट क्या लेकिन नहीं हुआ, गोल बचा लिया गोल कीपर ने ब्रो, क्या शॉट था, नाइस, मैच में मजा आने वाला है ब्रो, वेट रेडी। पहले 4 मिनट में इतना अच्छा गोल, चांस क्रिएट कर दिया था, हमारा गोल की भी यंग है वे।
गरम खून, फिर से मौका है इनके पास, फिर से शॉट लेकिन ऊपर से, ये वाला नहीं होने वाला। लेकिन माफी अच्छा ट्राई कर रहा है, हमारे पास तो चांस अभी हुआ ही नहीं, लेकिन माफी ट्राई कर रहा है, नाइस। अभी तो देखना है, बॉल आ गया हमारे पास, क्लाउस, विल्फोफाना, कुकुता, सोतोका, पिश को दे, नाइस, पिश उसको दे दे, मचाडो लेके जा सकता है, मचाडो फोफाना, खाली है पिश, पिश खाली है ब्रो, पिश खाली है ब्रो, सोतोका पिश के पास दे दे, ऐसे लेके रेडी फॉर गोल, ऐसे शॉट, बूम, ब्रो होम ग्राउंड पे 10 मिनट में अंदर गोल, ह्यूज ब्रो, ह्यूज, ये क्या सेलिब्रेशन है ब्रो, लग गया ना, तो गया 3 मंथ, लीग वन खेलना नहीं होगा फिर, जो जोश दिखा रहा है ना ये, फैंस खुश, बहुत खुश है भाई, रेल में इतना मजा, ये सब बॉल लेके गया, ऐसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कौन है, इतना पास आके मैं गोल मिस नहीं करता कभी, बहुत सही गोल था, अगर इतना छूट मुझे दे दोगे तो मैं गोल दे दूंगा, कोई सीन नहीं है। चलो 11 मिनट में एक गोल तो हुआ, 4 मैच में 8 गोल, मतलब पिछले जो स्टैक ट्रॉयस का मैच था ना उसको भी गिना जा रहा है, क्योंकि लीग वन में हुआ था, ऑब्वियसली तो गिना जाएगा, नाइस, एवरी मैच 2 गोल, क्या चल रहा है रिकॉर्ड हमारा, बहुत सही। अभी फिर से आया प्रिश के पास, सतो का हाथ दिखा रहा था, मचाडो, प्रिश, सतो का, फोफाना, फोफाना का, ओ माय गॉड, फोफाना का क्रॉप शॉट, 2 गोल, 18 मिनट्स, ब्रो मैं सोच रहा था टफ गेम होने वाला है, लेकिन हो गया भाई, इसका क्या खा लेगा क्या कैमरा, बहुत सही, लेकिन टीम बहुत अच्छा खेल रहा है, इसके पास आया सोतो का, क्या पास दे रहे हैं, ऐसे क्रॉप गोल, सोतो का बहुत बहुत अच्छा पास दिया इसने, उनका डिफेंस में कोई था ही नहीं, एक बंदा था वो भी पीछे था, डिफेंस सबका खराब है, टीथ देखो इसका, टूथपेस्ट में नमक है, मतलब अच्छा है, छोड़ते हैं सब, 2 गोल हो गए, 2-0, मजा आने वाला है अभी, लेकिन एक गोल हमने दिया, एक फोफाना ने, तो मैच तो जीत जाएंगे, इसमें कोई तोड़ाई वाली बात है नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द लाइन, हो गया थ्रो इन होगा अभी, आउटसाइड द बॉक्स गोल करना है ब्रो, इससे नहीं होगा, बॉल घुमा के यहाँ इस साइड लेट करना पड़ेगा, इधर से अगर शॉट से गोल हो जाए, गोल, ओ माय गॉड, दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट गोल, दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट गोल ब्रो, ह्यूज, क्या गोल है, आई कांट बिलीव, दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट, मैंने ऐसा गोल नहीं दिया कभी, Oh my God! Well, as you can see, he's a great talent. What a run! What a goal! And what a play he is! There's a shot, but एकदम angle पे कोई goal की नहीं बचा सकता. क्या goal है? Power shot, carve करके एकदम angle. Not possible, bro. One of the bestest goal. No doubt. This is OP goal. One of the bestest goal, bro. क्या गोल दिया, I'm proud of myself, I'm proud of myself. चलो आउटसाइड द गोल भी हो गया, आउटसाइड द बॉक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, ड्रिबल, अच्छा जी ड्रिबल भी कर लिया, फोफाना, कुत्तू का एक और होगा क्या, उनका डिफेंस बहुत खराब है, अभी नहीं हो सकता, बचा लिया, पता था मेरे को, बहुत साइड चला गया, चलो अभी देखते हैं, मफी के पास बोला, इसके पास बोला था तो डर लगता है इसको, यहाँ से लेके जा रहा है, इसको रोको बे, दियारा को रोको, बॉल ले बे, किसकी बहन के बाहर बॉल ले, फिर से मौफी, ब्रो ये मौफी बहुत सही खेल रहा है ब्रो, गोल की ना होता, एक सीधा गोल था इसके पास, सीधा आते घुमा के शॉट, गोल की बचा लिया, गोल की बचा लिया, इजी गोल था इसके लिए, ये लोग भी खेल रहे हैं लेकिन हमारा डिफेंस बहुत सही है, बहुत सही है, मतलब टीम बहुत सही है हमारा,
सो बॉल तो हमारे पास है, ड्रिबल इस ड्रिबल ट्राई कर रहा है, मजा आ रहा है। सोतो का भाई इसका किस्मत ही खराब है, पिछले मैच में भी नहीं हुआ, ऑफसाइड हुआ एक गोल, इसमें भी इसमें अपर साइड निकल गया, थोड़ा नीचे होता ना तो हो जाता गोल, लेकिन ये इसका किस्मत खराब है, कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद बॉलर ड्रिबल करेगा भी है, नाइस ओपी ड्रिबल था ये, पिछले मैच में नहीं हुआ था लेकिन हो गया। गेंद एक शॉट दे दे, शॉट लेकिन बचा लिया, वो बचा लिया, बचा लिया, नाइस। इन 3-0 हो गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 3-0 हो गए, हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा हमको, यहाँ पे आ गया सोतोका के पास, इसको मत दे, इसको मत दे, ऑफसाइड हो जाएगा यार, एक क्लियर ऑफसाइड था ये, इसको मत देना था, क्लॉज ऑफसाइड था, ऐसे देखो तो क्लियर ऑफसाइड ब्रो, हाफ टाइम हो जाएगा, हाफ टाइम होने ही वाला है, हेड से देगा, हाफ टाइम हो जाएगा, हाफ टाइम हो गया, 3-0, दो गोल मेरा, पिछले मैच में भी 2 गोल मेरा, होम ग्राउंड पे 2 गोल मेरा, क्या फॉर्म चल रहा है मेरा, क्या फॉर्म चल रहा है, 10 का रेटिंग हो गया है अभी, 1 गोल कर दिया, 2 गोल कर दिया, एनी एक आउटसाइड बॉक्स कर दिया मैंने, तो सारे कंप्लीट है मेरा, नाइस, सब तो कंप्लीट कर दिया, कोच ने तो जो बोला था, अभी बस हैट्रिक अगर कर लूँ तो बहुत सही हो जाएगा, और भी मज़ा आ जाएगा सर मेरे को। मोफी ने ले लिया, एलिफे बॉल लेके जा रहा है, मोफी के पास बॉल है, लूज हो गया, लूज हो गया, नाइस। फोफाना प्रिश के पास बॉल है, बॉल लेके जा ब्रो, सोतो का, फोफाना प्रिश बॉल तो मांग लिया, अभी गोल दे देना ब्रो, तो अच्छा हो जाएगा। अब ड्रिबल, नाइस ड्रिबल, शॉट एंड माय गॉड, हैट्रिक ब्रो, दिस इज ह्यूज। लेकिन एक गोल डिफेंडर की वजह से हुआ, क्लियरली उसके पापे लगा, लगा मेरे को लगता है उसके पापे लगा, उसके पापे लगा, ऐसे शॉट था, बॉल एलिवेट हो गया थोड़ा सा, तो क्लियरली उसको लगा होगा, ऐसे शॉट लिया, हाँ इसके पापे लगा, फिर मैं बोलूँ इसने हेल्प कर दिया मेरे को, अच्छा हैट्रिक हो गया होम ग्राउंड पे, नाइस। अभी क्या हमें सब्स्टिट्यूट कर रहा है, अरे सीरियस मैन हैट्रिक देने के बाद ब्रो, एक कोच क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये डिजर्व नहीं करता मैं, 10 का ब्रो, 50 मिनट्स में 3 गोल कर दिया था, इतना अच्छा चल रहा था, फिर भी मेरे जाने के बाद कोई गोल हुआ नहीं, कोई भी गोल नहीं हुआ, अब बता, फिर भी हमें सब्स्टिट्यूट करा दिया गया, मैच जीते, हैट्रिक भी करी, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मुझे पूरा मैच खेलना था, क्योंकि आई डिजर्व दिस, मैंने पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था, इसमें भी अच्छा किया, तो आई डिजर्व दिस, बट ओवरऑल आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे एज ए स्ट्राइकर खिलाया जा रहा है, जो कि स्टैक टू एस में कभी नहीं होता, एंड टीम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ट्रांसफर डिसीजन मेरे लिए अच्छा था, अच्छा है अभी तक के लिए, अभी आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने न्यू टीम ज्वाइन करी, 2 मैच खेला, 2 मैच में 5 गोल दी, सो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा, एंड बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एंड हमें न्यू मैनेजर भी चाहिए, उसको भी ढूंढेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेम्स खेलते रहो एंड मज़े करते रहो, बाय।